वेलकम बैक गाइज, न्यू वीडियो, हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। तो गाइज, जन्माष्टमी पे बनाऊंगी मैं मक्खन, और मक्खन बनाने के लिए मैंने कान्हा जी के लिए सबसे पहले क्या करा था, मैंने मलाई ली थी, ताजी मलाई ली है, और मलाई में लगा दिया था दही, और दही लगाने के बाद इसको रात भर ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर रात में दही लगाने के बाद इसको फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में लगाने के बाद ये परफेक्ट मक्खन बनने के लिए तैयार है। तो कान्हा जी के लिए आप अपने हाथों से स्वयं मक्खन बना सकते हैं। तो बनाएंगे मक्खन, किस तरीके से बनाते हैं, और इसी से मक्खन से गैस घी भी बना सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैंने मक्खन से घी किस प्रोसेस से बनाया था। मतलब दूध के ऊपर जो मलाई होती है उसको निकाल लेंगे और उसमें दही लगा देंगे। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलते हैं मक्खन कैसे बनाएंगे। मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में डाल देंगे ये मलाई। अच्छे से मलाई डाल देंगे। इसमें डाल देंगे गाइस आइस क्यूब, इस तरीके से निकाल लेंगे। चार पांच आइस क्यूब इसमें ऐड कर देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी। ढक्कन लगा देंगे और मिक्सी में चला देंगे। मिक्सी में चला देंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं मक्खन परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। और इस तरीके से गाइस आप मिश्री और मक्खन का भोग लगा सकते हैं कान्हा जी के लिए। और आपको मक्खन की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये है ताजा अपने हाथों से निकाला हुआ मक्खन। तो गाइस, जो ये नीचे होता है थोड़ा सा पतला है, ये मट्ठा होता है, तो मट्ठे का भी आप यूज कर सकते हैं और ये मक्खन और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और ये लड्डू गोपाल के लिए ले लेंगे प्रसाद ही। और ये है मक्खन, तो इसके ऊपर रख लेंगे मक्खन इस तरीके से लड्डू गोपाल के लिए, और इसमें रख लेंगे मिश्री, लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। तो गाइस, आप इस तरीके से मक्खन मिश्री का भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए। और लड्डू गोपाल के लिए आपको मक्खन की रेसिपी कैसे लगी गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए मेरे चैनल को देख रहे सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और बाकी जो मक्खन ये बचा है इसको आप पिघला सकते हैं, और मट्ठा जो पतला है ये मट्ठे नमक डाल के पी सकते हैं, और इसका घी बना सकते हैं। और इसका मक्खन का घी बना लेंगे, चाहे तो आप ब्रेड में लगा के खा सकते हैं। तो गाइस, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कान्हा जी के लिए मक्खन परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है, अपने हाथों से बनाया है, उसका भोग लगाएंगे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।